और भाइयों क्या हाल चाल है यार। स्वागत है आपको वापस एक और नए ब्लॉग में, एक और नई शाम, एक और नई जगह हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। जो जैसा होता है आप लोग को दिखाते जाते हैं, एंजॉय कराते जाते हैं। चल के देखते हैं आगे होता क्या है। मौसम हल्का सा बारिश का भी लग रहा है, तो एक पार्क है बेसिकली, हम वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आप भी बने रहें हमारे साथ। इसको बीप करना पड़ेगा यार, ये आ गया, इसमें आ गया अपने। तुम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर अभी। कौन सा अमीर आदमी गाड़ी खड़ी है अपने घर के बाहर, गेट लगाया जाए शर्मा जी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। हाँ आंटी, नैना तेरे कजरारे हैं नैनों से हम। भैया नमस्ते। ये हम सबके प्यारे, हमारे कैमरामैन, हमारे एडिटर्स। चलते हैं अपनी भूख मिटाते हुए। कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? मैं बोल रहा था भाई यहाँ के समोसे बहुत एक नंबर रहते हैं भैया यहाँ के। अच्छे लोग दिखेंगे हमें, सारी चीज दिखाते हैं आप लोग को। बहुत अनोखा सीन हो गया, आप लोग को दिखाते हैं। कैमरा मैन से गुजारिश करें उधर दिखाया जाए, जहाँ हमारा कुत्ता है उधर पानी गिर रहा है, ठीक है। इधर दिखाया जाए, इधर बौछार आ रही है, पानी से कोई गहरा रिश्ता है हमारा। पन डालेंगे तो नकली लागी तो गाइस आप देख सकते हैं पानी की छोटी छोटी बूंदें जो कि क्लियरली में देखी जा सकती हैं। और ये हमारा सरफेस एरिया जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ जरा से भी पानी की बरसात नहीं हो रही बिल्कुल गाइस, पूरी तरह से खुला आसमान है, इधर बिल्कुल बारिश नहीं है। और आगे हम देख सकते हैं, अगर आप ज़मीन पे, हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की बूंदें, अब जो कि बारिश तेज़ हो रही है काफ़ी तेज़ी से। ये हमारे दोनों साइड के लगभग 10 मीटर के डिस्टेंस में, और ये वो जगह है जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ आपको हमारे एडिटर सर का कहना है, प्रभात भाई कह रहे हैं कि जरूर कोई भूतिया जगह है या फिर उनमें कोई अद्भुत शक्तियां हैं, जिसकी वजह से जैसे ब्रह्मास्त्र में रणवीर कपूर के पास आग की वो पावर रहती है, वैसे हमारे पास पानी की कोई पावर है ऐसा हमको लगता है। अब बारिश तेज हो रही फिर भी इधर पानी नहीं गिर रहा है। हाँ। तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पानी नहीं गिरेगा। तो प्रभात भाई का कहना है कि अगर वो बैठ गए तो वहाँ बारिश नहीं होगी, बारिश बंद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं, वैसे हम पानी के बीच में फंस चुके हैं, बढ़ेंगे नहीं अभी, भगवान की दया से यहाँ हो नहीं रहा, लेकिन आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो अच्छा है चाय की टपरी में बैठे देखते हैं सुंदर नज़ारा। देख सकते हैं हम लोग फंस चुके हैं बारिश में, अच्छा खासा मूड बना के निकले थे घूमने के लिए। संघर्ष जारी है आपके भाई लोगों का, हो जाएंगे। हाँ सक्सेस हो जाएंगे बिल्कुल। सुमित भाई आए अपने यहाँ पे फल फूल लेने, थोड़ा क्योंकि डाइटिंग पे चल रहे हैं इस टाइम पे, हम कहीं समोसे वोसे भी खा लेते हैं, केवल फल फूल ही लेते हैं, तो इसलिए खरीदारी करवाई है। पार्क जाने का प्लान था अपना, वहाँ बन जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए पार्क जाने का कोई अभी सीन बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे प्लान के साथ साथ भगवान का ही प्लान हो जाना चाहिए हमें पहुँचाने के लिए। तो बस यहीं रखा जो भी था, बाकी अंदर चलते हैं एडिटिंग कर।